अभिया, मैंने ना किचन में सारा काम कर दिया। क्या हुआ अभिया, आप इतने नर्वस क्यों हैं? बल्कि आज तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। आपको पता है घर में भी सब बहुत खुश हैं, सिवाय पप्पो के। किस शक्ल में बारह क्यों बज रहे? जब तुम्हारी बारी आएगी ना तो तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारी शक्ल में बारह क्यों बजे हैं। धनी, अजीब सी एंजाइटी हुए जा रही है। वो लोग आएंगे, क्या बात करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी हम सोचने और समझने का टाइम अब जा चुका है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, वो बस एक रस्म टाइप है। और वैसे भी सत्यन भाई ने तो सब कुछ प्लान करके रखा होगा। अपिया, आपको बस उनका साथ देना। और वैसे भी आपको इतना रोमांटिक बंदा मिल रहा है, आपको तो यही सोच के खुश हो जाना चाहिए। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वो रोमांटिक है? अरे, कोई बंदा खुद दादों से आकर आपके रिश्ते की बात कर रहा है, और कितना रोमांटिक बंदा चाहिए आपको। अभिया, आपको बस आज के दिन अच्छा लगना है, बाकी सारे दिन आप मुझ पे छोड़ दे। दादी अम्मा, तुम पे छोड़ दिया ना सब, तो तुम आज ही मुझे उन बाजियों के साथ रुखसत कर दोगी। इसे कितना अच्छा प्लान है ना, अगर मैंने ये कर दिया ना, सिप्तहन भाई ने खुश होकर नोबेल प्राइज दे देना मुझे, है ना? अच्छा पे अब खुश हो जाए ना, बहुत प्यारी लगती है।